नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जानेंगे सब खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दे और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तालिबान का पहला मास्टर स्ट्रोक, सरकार गठन समारोह में अमेरिका के 6 दुश्मनों को भेजा न्योता। तमाम अटकलों के बीच तालिबान ने सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है और तालिबान ने कहा है कि सरकार बनाने की प्रक्रिया अंतिम मोड़ पर पहुंच चुकी है और जल्द ही तालिबान की सरकार का ऐलान कर दिया जाएगा। तालिबान ने सरकार बनाने के लिए अपने यार देशों को न्योता भेजना शुरू कर दिया है और उन्हें तालिबान की सरकार के समारोह में शामिल होने का आग्रह भेजा गया। रिपोर्ट है कि तालिबान सरकार बनाने के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेगा और संदेश देने की कोशिश करेगा कि उसकी सरकार पहले जैसी नहीं होने वाली है। अफगानिस्तान से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने उन 6 देशों की अपनी सरकार के निर्माण के समारोह में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है। वो सभी के सभी अमेरिका के दुश्मन है। पंजशीर घाटी पर करीब करीब कब्जा जमाने के बाद तालिबान ने सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने पाकिस्तान, चीन, ईरान, तुर्की, कतर और रूस को निमंत्रण भेजा है। जाहिर है तालिबान की लिस्ट देखने से ही साफ जाहिर होता है कि इन्हीं देशों ने तालिबान का पूरा साथ दिया है और इन्हीं देशों की बदौलत तालिबान आज अफगानिस्तान पर कब्जा करने में कामयाब हो पाया है। तालिबान इन देशों के साथ दोस्ती को मजबूत करना चाहता है ताकि वो सरकार चला सके, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ कई देशों ने कह दिया है कि वो तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं देंगे। अफगानिस्तान पर पीएम मोदी की अहम बैठक, राजनाथ और अजीत डोभाल भी हुए शामिल। अफगानिस्तान में तेजी से बदलती स्थिति पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात कर रहे हैं। तालिबान का देश पर पूर्ण नियंत्रण और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI प्रमुख की काबुल में उपस्थित के दावे के बीच शीर्ष नेतृत्व की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद है। अफगानिस्तान में विकसित हो रहे हालात को देखते हुए पीएम मोदी ने भारत की तत्कालिक प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समूह का गठन किया है। सूत्रों ने कहा है कि समूह में विदेश मंत्री एस जयशंकर, श्री डोभाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। समूह अफगानिस्तान में जमीनी स्थिति और उस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं की निगरानी कर रहा है। आम आदमी पार्टी अन्य दलों से अलग, इस बार पंजाब में बनाएंगे सरकार, आम आदमी पार्टी के नेता सतीश सैनी का दावा। पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है। सभी पार्टियां जनता से लोक लुभावने वादे कर रही है। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी अन्य राजनीतिक पार्टियों से अलग क्यों है और उनके मुद्दे भी दूसरी सियासी पार्टियों से अलग है। आम आदमी पार्टी के संयुक्त सचिव सतीश सैनी ने कहा कि 2017 में जब आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव लड़ी थी तो उन्हें जनता से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। इस बार पंजाब की जनता पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के साथ है, क्योंकि जनता अंदरूनी तौर से बदलाव चाह रही है। जनता ने पिछले 4.5 सालों में कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल देख चुकी है। उसने पहले 10 साल अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार से भी जनता खुश नहीं है। इन सब चीजों को लोग समझ चुके हैं और अब बदलाव चाहते हैं। पंजाब की जनता दिल्ली मॉडल की तर्ज पर आम आदमी पार्टी को पंजाब में चुनेगी। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। किसान महापंचायत में उमड़ी भीड़ पर बोले अखिलेश, ये भाजपा के कहर के खिलाफ जनमत की लहर है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है। चुनावी की तैयारियों में जुटे विपक्षी दल अब किसानों के जरिए सरकार को घेरने में जुट है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत में उमड़ी किसानों की भीड़ को लेकर कहा है, ये भाजपा के कहर के खिलाफ जनमत की लहर है, भाजपा खत्म। संतों के दबाव में AIMIM ने अयोध्या से हटाए अपने विवादित पोस्टर, 7 सितम्बर को आएंगे ओवैसी। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले अब सभी पार्टियां अयोध्या में कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी जहां 14 सितंबर को अपनी तिरंगा यात्रा यहीं से निकालेगी, वहीं दूसरी ओर ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी के AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कार्यक्रम कल अयोध्या जिले के रुदौली में रखा गया है।
पार्टी के नेता इन तैयारियों में जुटे हुए हैं। हालांकि दो दिन पहले तक AIMIM के पोस्टरों में अयोध्या को फैजाबाद नाम से दर्शाया गया था। यह मामले सामने आने के बाद संतों के दबाव में कार्यक्रम स्थल पर रखे पोस्टर हटवा लिए गए। बताया जा रहा है कि जगत गुरु परमहंसाचार्य ने रुदौली पहुंचकर पोस्टर में जिले का नाम अयोध्या न होने पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि इसे ठीक नहीं किया गया तो वो ओवैसी की सभा नहीं होने देंगे। पार्टी के नेताओं के मुताबिक 7 सितंबर को रुदौली में ओवैसी का कार्यक्रम आयोजित है, इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई है। हालांकि बढ़ते विवाद को देखते हुए AIMIM ने पीछे हटते हुए उन पोस्टरों को हटवा लिया है जिन पर अयोध्या को फैजाबाद नाम से दर्शाया गया। युवा कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनने की मांग की। कांग्रेस पार्टी के सोमवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारतीय युवा कांग्रेस ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के लिए फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए प्रस्ताव पारित किया। बता दें, लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए जद्दोजहद चल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन हो, इसको लेकर अजमंजस बना हुआ है। राहुल गांधी ने चुनाव के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद सोनिया गांधी पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष बनकर ये जिम्मेदारियां संभाल रही है। कुछ दिनों पर पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारियां एक बार फिर राहुल गांधी को देने की मांग उठती रही है, लेकिन कांग्रेस नेता इस बात पर एकमत नहीं है। लंबे समय बाद एक बार फिर अब भारतीय युवा कांग्रेस ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को पुनः अध्यक्ष बनाने की मांग की है। दिल्ली सरकार की बड़ी योजना, 2024 तक हर घर को मिलेगा 24 घंटे पानी। राजधानी दिल्ली में 2024 तक प्रत्येक घर में 2400 घंटे पानी की आपूर्ति करने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी को 3 मंडलों में विभाजित किया गया है। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक पूरे परियोजना क्षेत्र को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है, जिसमें पूर्व और उत्तर पूर्व मंडल, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम मंडल और पश्चिम व उत्तर पश्चिम मंडल है। इस परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी की 70% आबादी को पानी की आपूर्ति की जाएगी, जबकि मालवीय नगर, वसंत विहार और नागलोई इलाकों में 2400 घंटे पानी की आपूर्ति के लिए 3 प्रायोगिक परियोजनाओं के तहत 12% आबादी को पानी की आपूर्ति की जाती है। उत्तराखंड में कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, 18 सूत्री मांगों को लेकर शुरू हुआ आंदोलन। उत्तराखंड में चुनावी साल में पुष्कर सिंह धामी सरकार के लिए चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। राज्य सरकार की कई कोशिशों के बाद भी पहली बार एक मंच पर आए सभी कर्मचारी और शिक्षकों के उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने अपनी 18 सूत्री मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया है। आंदोलनकारियों ने पहले चरण में गेट मीटिंग कर सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर सरकार ने जल्द कोई फैसला नहीं लिया तो आने वाले समय में आंदोलन उग्र किया जाएगा। यूपी में 16 से 20 सितंबर तक आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए चलेगा विशेष अभियान। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में 16 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में वार्डों में कैंप लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में इस योजना के 7.60 करोड़ लाभार्थी हैं और इनमें से अब तक 1.5 करोड़ के ही कार्ड बनाए गए हैं। ऐसे में अब आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कैंप लगाए जाएंगे। मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका, SC ने जेल में सुरक्षा को लेकर पत्नी की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी की उस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है, जिससे उन्होंने मुख्तार के लिए जेल में सुरक्षा देने का निर्देश देने की मांग की थी। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की पत्नी को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही हाई कोर्ट को इस मामले में तेजी से सुनवाई करने का आदेश भी दिया है। बता दें, कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी की पत्नी की ओर से वकील कपिल सिब्बल थे। बता दें, मुख्तार अंसारी पंजाब के रोपन की जेल में बंद था। यूपी सरकार की ओर से मुख्तार को यूपी भेजे जाने का अनुरोध किया जा रहा था, लेकिन पंजाब सरकार की ओर से बार बार यह अनुरोध ठुकराए जा रहे थे। इसके बाद यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बांधा लगाया गया है, जहां उसे जेल में रखा गया है। मुख्तार अंसारी को कड़ी सुरक्षा वाली बंदा जेल में रखा गया है। तेज प्रताप ने छात्र जनशक्ति परिषद का किया गठन, कहा ये RJD का महत्वपूर्ण अंग होगा। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज
प्रताप की नाराजगी अभी भी जारी है। सोशल मीडिया पर तेज प्रताप लगातार छोटे भाई तेजस्वी यादव पर तंज कस रहे हैं। बीते रविवार को शिक्षक दिवस के मौके पर उन्होंने छात्र जनशक्ति परिषद का गठन किया और खुद को इसका अध्यक्ष भी घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष को हटाकर नया अध्यक्ष बनाने और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर कार्रवाई नहीं होने के चलते तेज प्रताप खफा चल रहे हैं। रविवार को तेज प्रताप ने कहा कि छात्र जनशक्ति परिषद से वे नए आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह आंदोलन बिहार सहित अन्य राज्यों में भी होगा। उन्होंने युवाओं से इस मिशन में जुड़ने की अपील की। संगठन का नया फेसबुक और ट्विटर पेज भी बनेगा। सदस्यता फॉर्म भी तैयार किया जाएगा। यूनिवर्सिटी में कैंप भी लगाए जाएंगे। सर्राफा बाजार में सोने के दाम में 276 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 47,247 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वही चांदी की कीमत में 182 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 63,487 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं आज के मौसम समाचार को। देश के कई शहरों में भारी बारिश का दौर जारी है। तो भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि दिल्ली में आज बादल बरस सकते हैं, तो वहीं मुंबई में भी जोरदार बारिश के आसार है। हालांकि आज सुबह महानगरी में जमकर बारिश हुई भी है। IMD के मुताबिक 7 से 9 सितम्बर के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब और जम्मू क्षेत्र और पूर्वी राजस्थान में भारी वर्षा के आसार है, तो वहीं उत्तर पश्चिमी भारत में हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों रिलेटिव के साथ। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजना की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।